हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है डिजिटल लॉजिक का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है लॉजिक गेट्स। अब लॉजिक गेट्स के अंदर जितने भी गेट्स हैं उसके अंदर आपने देखा होगा कि सिंबल्स होते हैं, इनपुट्स होते हैं, देन उस इनपुट्स के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आउटपुट आएगा ये हम लोग देखते हैं। साथ में उस लॉजिक गेट का क्या एक्सप्रेशन है, क्या उसका लॉजिक सर्किट है, ये जो है आज के इस वीडियो में हम लोग जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अगर अभी तक आपने कंप्यूटर साइंस प्लस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है कंप्यूटर साइंस प्लस के यूट्यूब चैनल पर आपके KVS और बाकी की जो प्रिपरेशन होती है, DSSB, आपके NVS, EMRS के जो TGT, PGT की जो पोस्ट निकलती हैं उनके लिए प्रिपरेशन कराते हैं, और साथ में UGC नेट एग्जाम और सेट एग्जाम जो कंप्यूटर साइंस से है, तो उसके कोर्सेज जो है हमारे यहाँ पर हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, जिसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करके हमसे पूछ सकते हैं कि किस तरह से आप उसमें इनरोल कर सकते हैं। तो डेफिनेटली जो है उनमें कैसे इनरोलमेंट करना है आपको, वह मैं आपको हमारी टीम जो है वो आपको बताएगी। तो चलिए आज के इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो लॉजिक गेट्स हैं, जो हमारे बेसिक लॉजिक गेट्स हैं, जैसे एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, साथ में दो यूनिवर्सल गेट्स हैं जिसे हम लोग नैंड गेट, नॉर गेट के साथ जानते हैं, और हमारे दो एक्स्ट्रा गेट्स भी हैं जिसे हम लोग एक्सक्लूसिव और या फिर जो है आपका एक्सनॉर गेट्स से जानते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर इन सभी लॉजिक गेट्स को हम लोग जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके वन बाई वन जो है मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो देखिए, थोड़ा स्पेस कम होने की वजह से मैं उनका सिंबल, उनका इनपुट और उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या होता है, उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, वो एक एक करके मैं लिखूंगा, फिर बाद में मैं उसको रब कर दूंगा, क्योंकि थोड़ा स्पेस कम है। तो आप थोड़ा सा उन जो भी मैं लिखूं तो उसको आप लिखते हुए चलिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो है एंड गेट की बात करते हैं। तो देखिए, गेट को समझने से पहले आप समझिएगा कि हमारे पास जो है जो भी गेट हम लोग पढ़ रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग हमारा इनपुट होता है। तो एंड गेट हो गया और गेट हो गया, पहले मैं इन दोनों गेट्स की बात कर लेता हूं। तो यहां पर हमारा जो इनपुट होगा, दो इनपुट है, तो उन दो इनपुट के करस्पॉन्डिंग जो है हमारे चार आउटपुट निकल कर आएंगे। कौन कौन से आएंगे? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, सबसे पहले मैं एंड गेट की बात करता हूं, एंड गेट की। तो एंड गेट की हम लोग पहले बात करते हैं, एंड गेट की। तो एंड गेट के अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास दो इनपुट हैं, ए और बी। ए और बी जो है हमारे पास दो इनपुट हैं, और उन इनपुट के करस्पॉन्डिंग एक आउटपुट आएगा। आउटपुट का एक्सप्रेशन क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जब हमारे पास दो इनपुट्स हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो कौन कौन सी होगी? 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ओके, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा। अब इस एक्सप्रेशन के करस्पॉन्डिंग जो हमारा आउटपुट आएगा, तो देखिए जब हम लोग एंड गेट की बात करते हैं तो एंड गेट के अंदर ये कंडीशन होती है कि जब दोनों के दोनों इनपुट हमारे वन होते हैं, केवल तभी हमारा जो आउटपुट होता है वो वन होता है, अदरवाइज हमारा जो आउटपुट होगा वो जीरो होगा। तो देखिए, अगर मैं आउटपुट की बात करूं, अभी मान के चलिए जो हमारा सिंबल है, अभी मैं इसको आउटपुट से लिखता हूं, अभी मैं इसके सिंबल को भी मैं डिनोट नहीं कर रहा हूं अभी फिलहाल के लिए। तो आउटपुट जो आएगा इसके करस्पॉन्डिंग, तो जब दोनों इनपुट हमारे 1 1 हैं, जब दोनों इनपुट हमारे 1 1 हैं, केवल तभी हमारा आउटपुट जो है वो 1 के इक्विवेलेंट होगा, अदरवाइज हमारा आउटपुट जो होगा वो 0 के इक्वल होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जब हमारा एक्सप्रेशन हमारे दोनों में इनपुट्स में दोनों में 1 1 है, तब हमारा जो आउटपुट है वो 1 आएगा। डेट्स इट, ठीक है। अब देखिए, इसको आप चाहो तो इसके एक्सप्रेशन को, वैसे तो हम लोग जो डिनोट करते हैं, इसके एक्सप्रेशन को हमें डिनोट करने के लिए लिखते हैं हम लोग ए डॉट बी। इसका मतलब ये हुआ कि जब दोनों केसेस के अंदर हमारा ए और बी दोनों 1 है, तभी हमारा जो आउटपुट है वो 1 के इक्विवेलेंट होगा, अदरवाइज 0 होगा। तो इस एक्सप्रेशन को, ये हमारा लॉजिक एक्सप्रेशन है एंड गेट का। ओके, ध्यान रखिएगा। अब इसका जो सिंबल होता है एंड गेट का, वो हमारा होता है इस तरीके से, ये एक इनपुट है, देन बी इनपुट, और जो आउटपुट आएगा वो हमारा ए और बी होगा। ओके, अब देखिए ये हमारा
एंड गेट, उसके कॉरस्पॉन्डिंग इनपुट आउटपुट, देन हमारा डिजिटल एक्सप्रेशन जो होता है, लॉजिक एक्सप्रेशन होता है, और इसका ये हमारा सिंबल होता है. ओके, ये तीन बात हो गई. अब इसके अलावा आप चाहो तो इसको मैं के मैप से भी आपको दिखा सकता हूं. तो देखिए, जब हमारे पास दो वेरिएबल हैं तो दो वेरिएबल के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे कितने आउटपुट आएंगे, तो चार आएंगे. तो इसे हम लोग के मैप से भी देख सकते हैं. ए बार ए, बी बार बी, ठीक है. अब देखिए, केवल और केवल हमारा एक ही वन है. जब दोनों केस में दोनों वन हो तो इसका मतलब क्या है, हमारी वैल्यू जो है थ्री होगी. तो थ्री में कहां पे हम लोग लिखेंगे वन, यहां पर, ठीक है. अब देखिए, ये जो वन है, बाकी की वैल्यू जीरो है, तो किसी के साथ ये पेयर नहीं बना पाएगा. तो इस केस में आप देख सकते हैं कि ये जो वन की वैल्यू है यहां पर क्या होगी, यहां पर वैल्यू जो होगी वो ए बी के इक्विवेलेंट होगी. ओके, दैट्स व्हाई यहां पे जो लॉजिक एक्सप्रेशन होता है एंड गेट का, वो ए बी के इक्विवेलेंट होता है. ओके, क्लियर है. अब इसी की तरह हमारा और गेट होता है, बट और गेट में ध्यान देने वाली बात यह है कि वहां पर हमारा जो आउटपुट है, अगर एक भी हमारा वन होगा इनपुट, तो वहां पे इक्विवेलेंट जो है हमारा आउटपुट वन होता है. इसको भी मैं आपको डिनोट करके बताता हूं. तो देखिए, ये मैं इसको रब कर देता हूं. अब हम लोग लिखते हैं दूसरा गेट हमारे पास आता है और गेट. मैं यहीं पे लिख देता हूं और गेट. ओके, और गेट में क्या होता है कि जो भी हमारा इनपुट है जरा जीरो 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 वन वन जीरो वन वन, ठीक है. तो जो हमारा आउटपुट आएगा अगर हमारा एक भी इनपुट अगर जीरो है, अगर एक भी इनपुट हमारा सॉरी वन है, मैं इसको लिख देता हूं सही से. आई थिंक ये शो नहीं हुआ ढंग से. अगर एक भी इनपुट हमारा वन है तो हमारा आउटपुट जो है वो वन के इक्विवेलेंट होगा. तो यहां पर देख सकते हैं, तो यहां पर ये वन और ये वन. ओके, अदरवाइज हमारा जो आउटपुट है वो जीरो के इक्वल होगा. ओके, तो इसका जो सिंबल होता है, पहले मैं सिंबल की बात कर लेता हूं. तो जो और गेट का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह का होता है. ए बी के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है, इस तरह से. अब इसका जो हमारा एक्सप्रेशन होता है, तो देखिए, इसके एक्सप्रेशन को लिखने का जो तरीका होता है, वैसे तो ये हमारा जो एक्सप्रेशन होता है वो ए प्लस बी होता है, इस तरीके से. यहां पे डॉट ऑपरेटर होता है, यहां पे प्लस ऑपरेटर होता है. अब इसको के मैप से अगर आप सॉल्व करना चाहो तो आप देख सकते हैं. ए बार ए, बी बार बी, तो जीरो पर जीरो है, अदरवाइज बाकी सब पे वन है. तो यानी ये वन है और ये वन है, ठीक है. तो एक वन का पेयर ये वाला वन हो जाएगा और एक वन का पेयर ये हो जाएगा. तो ये वन जो होगा वो बी होगा और ये जो वन होगा ये ए होगा. तो आप इसको एज अ मेन टर्म में लिख सकते हैं, ए प्लस बी. क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी. ओके, तो ये है एंड गेट, ये है हमारा और गेट. ओके, अब इसके अलावा एक गेट हमारा और है जिसे हम लोग नॉट गेट कहते हैं. नॉट गेट, तो देखिए यहां पर नॉट गेट को भी मैं समझा देता हूं. वैसे तो अब बाकी के लिए मैं इसको रब कर दूंगा थोड़ा सा. तो तीसरा गेट हमारा होता है नॉट गेट. अब देखिए, नॉट गेट में क्या बात है कि जो नॉट गेट है उसमें केवल हमारा एक ही इनपुट होता है. तो अगर हम लोग इनपुट की बात करें तो यहां पर मैं उसके आउटपुट की बात करता हूं. तो अगर हमारा इनपुट ए हमारा जीरो है तो आउटपुट हमारा वन होगा, और अगर हमारा इनपुट वन है तो हमारा आउटपुट जो है वो जीरो होगा. दैट्स इट. और इसका जो लॉजिक सिंबल होता है हमारा, वो हम लोग डिनोट करते हैं इस तरीके से. एक इनपुट होता है और जो हमें आउटपुट मिलता है वो उसका रिवर्स मिलता है, ए कॉम्प्लीमेंट मिलता है. यानी ए हमारा इनपुट है तो ए बार हमारा जो है वो आउटपुट आएगा. ओके, इसमें केवल इतना ही थ्योरी है. तो एंड गेट, और गेट और नॉट गेट, ये तीन गेट मैंने आपको बताया. अब
बाकी के जो दो गेट की मैं बात करने जा रहा हूं वो अपने आप में बहुत यूनिक गेट है, क्योंकि उन दोनों गेट से हम लोग किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को डिनोट कर सकते हैं लॉजिक गेट्स के अंदर, वो है हमारे नैंड गेट और नॉर गेट। तो चलिए जरा उनको भी मैं डिस्कस कर लेता हूं आपके सामने। तो अब हमारा जो फोर्थ और फिफ्थ गेट है उसे हम लोग कहेंगे नैंड गेट और नॉर गेट। वैसे मुझे रब नहीं करना चाहिए था ये, बट चलिए उसको थोड़ा सा क्लियर करने के लिए आपको और मैं अच्छी तरह से शो कर देता हूं। तो देखिए अभी हम लोगों ने एंड गेट देखा था, एंड गेट में आपने देखा था वैल्यूज को, ए और बी की वैल्यू देखी थी। अब चौथा हमारा जो गेट है वो है नैंड गेट, और इन दोनों गेट्स को हम लोग जो है यूनिवर्सल गेट भी कहते हैं। तो इसका क्या मतलब है? तो देखिए इसका मतलब क्या है, अब हमारे पास दो इनपुट्स हैं ए और बी, 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ठीक है। अब नैंड गेट में क्या हमारा आउटपुट आता है? तो देखिए नैंड गेट में जो भी हमारा आउटपुट है, जो हमारा एंड गेट का आउटपुट था, उसको हम लोग इन्वर्ट कर देते हैं, उसको हम लोग उसका एक तरह से रिवर्स कर देते हैं। तो आपने देखा था अभी एंड गेट में केवल जब दोनों वैल्यू वन थी एक इनपुट्स की तभी हमारा वन था, अदरवाइज सब जगह जीरो था। इस केस में क्या होगा, इस केस में सारी वैल्यू वन होंगी, केवल उसी केस में जिसमें एंड में जिसके अंदर दोनों इनपुट्स हमारे वन थे वो जीरो हो जाएगा। ओके, तो इसका जो सिंबल होता है, तो देखिए इसके सिंबल को डिनोट करने से पहले आप देखिएगा कि जो हमारा एंड गेट होता है, अभी मैंने आपको एंड गेट बताया था कि एंड गेट में क्या होता है, कि एंड गेट में हमारा जस्ट अ मिनट, एंड गेट होता है उसका सिंबल क्या होता है, उसका सिंबल हमारा कुछ ऐसा होता है। ओके, ए और बी, अगर हम लोग इसके आउटपुट में एक अपना इन्वर्टर लगा दें तो जो हमें गेट मिलेगा वो मिलेगा ए बार ये मिलेगा। तो इसी एक्सप्रेशन को हम लोग नैंड गेट कहते हैं और इसी को हम लोग डिनोट करते हैं, और इसको लिखने का जो तरीका है हमारा, इसको हम लोग लिखते हैं ए ऐसे नहीं, इस तरीके से हम लोग उसको लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे चलकर हम लोग डी मॉर्गन थ्योरम भी पढ़ेंगे, वैसे जो इसका इक्विवेलेंट होता है अगर आप देखें तो ये अभी फिलहाल आप समझिए ये हमारा एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है सिंबल को और अच्छी तरह से यूनिक वे में लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, कर सकते हैं इस तरह से, यहां पे एक बबल बना देते हैं। तो ये ए, ये इसका सिंबल है, ये इसका सिंबल है नैंड गेट का, ठीक है, ये इसका सिंबल है और ये इसका लॉजिक सर्किट है। दिस इज योर लॉजिक सर्किट नैंड गेट का, ये लॉजिक सर्किट है, ये कैसे निकलता है ये मैंने आपको बता दिया, ये लॉजिक सर्किट है और ये इसके करस्पॉन्डिंग जो है ये इसका सिंबल है नैंड गेट का, ठीक है। अब चाहे तो हम लोग इसको फर्दर जो है मतलब ए बार ए बी जो बार है होल का, इसको आप डी मॉर्गन थ्योरम में और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वो मैं आगे के वीडियोस में आपको बताऊंगा, डोंट वरी। तो ये हमारा नैंड गेट है, ठीक है। अब चलिए एक और गेट की बात कर लेते हैं, पांचवा गेट लेते हैं, मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि थोड़ा स्पेस, अगर मैं लैपटॉप्स में वीडियो बनाता तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट कोशिश कर रहा हूं मैं आपको समझाते हुए। तो पांचवा हमारा गेट है नॉर गेट, नॉर गेट। तो नॉर गेट के अंदर क्या होता है, जो भी और गेट होता है हमारा, जो भी और गेट था, तो देखिए और गेट में क्या था, और गेट में हमारे पास जब भी कोई इनपुट हमारा वन था तो वन था, अदरवाइज वो जीरो था। और नॉर गेट में जस्ट इसका रिवर्स होता है, ये आउटपुट देगा एकदम एंड गेट के इक्विवेलेंट। तो कैसे होगा ये जरा मैं आपको बताता हूं। तो इस केस में क्या होगा, यहां पर जीरो, देखिए इस केस में क्या होगा, यहां पर वन, बाकी जगह पर जीरो जीरो जीरो, ठीक है। ये हमारा नैंड गेट का आउटपुट है, ये सॉरी नॉर गेट का आउटपुट है, बार बार मेरे मुंह से निकल रहा है। तो नॉर गेट का आउटपुट है ये, दिस इज योर नॉर गेट का आउटपुट, ठीक है। तो ये नॉर गेट का जो है हमारा आउटपुट है। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि जो हमारा और गेट था, तो देखिए और गेट कैसा था हमारा, और गेट हमारा कुछ ऐसा था,
और गेट हमारा कुछ ऐसा था। अगर मैं इसके आउटपुट में यहां पे एक इन्वर्टर लगा देता हूं तो ये जो मेरा बनेगा ये मेरा निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा मेरा नॉर गेट। ठीक है, तो ये हमारा लॉजिक सर्किट है, लॉजिक सर्किट है। और इसी के करस्पॉन्डिंग अगर आप इसके सिंबल को लिखना चाहें तो आप इसके सिंबल को लिख सकते हैं इस तरीके से। ये इसका सिंबल है ए बी। ठीक है, ये इसका सिंबल है। ओके, आप चाहो तो उसको फर्दर इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के बाद डी मॉर्गन थ्योरम में मैं आपको आगे बताऊंगा, डोंट वरी। तो इस वीडियो में मैं केवल इतना ही बता रहा हूं आपको। तो ये इसका ट्रुथ टेबल, ये इसका लॉजिक सर्किट और ये इसका सिंबल। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ अब हमारे दो गेट और बचे हैं, एक्सक्लूसिव ऑर और एक्सक्लूसिव नॉर। जरा उनको भी मैं कंप्लीट कर देता हूं आपके सामने। तो सिक्स्थ गेट और सेवन्थ गेट, इन दोनों की गेट्स की और बात कर लेता हूं मैं आपसे, क्योंकि वीडियो को ज्यादा मैं लेंथी नहीं बनाना चाहता ज्यादा। और तो ये है हमारा एक्सक्लूसिव और, जिसे हम लोग जोर गेट भी कहते हैं। तो देखिए जोर गेट में क्या होता है, जब भी दोनों इनपुट हमारे सेम होंगे तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो जीरो आएगा। ध्यान रखिएगा, जब भी हमारे दोनों इनपुट सेम होंगे तो हमारा आउटपुट जो आएगा वो जीरो आएगा। क्या मतलब हुआ इसका, जीरो 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 वन वन जीरो वन वन। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, जब भी हमारे दोनों इनपुट सेम होंगे तो सेम कहां पर है, यहां पर सेम है और यहां पर सेम है, अदरवाइज ये वन और वन के इक्विवेलेंट है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो इसका मतलब ये हुआ ए बार बी और ये हुआ ए बी बार। ठीक है, ये इसका एक्सप्रेशन है, इसका एक्सप्रेशन है। दोनों को जब हम लोग जो है इन दोनों को और गेट से कनेक्ट कर रहे हैं तब इसका जो आउटपुट निकल कर आता है इसे हम लोग लिखते हैं इस तरीके से, ए बार बी प्लस ए बार ये। तो इसको हम लोग लिखते हैं इस तरीके से, डिनोट करते हैं इसको हम लोग। ठीक है, तो ये हमारा बुलियन एक्सप्रेशन है एक्सक्लूसिव और गेट का। अगर मैं इसके सर्किट की बात करूं तो इसको अगर आप डिनोट करना चाहोगे तो देखिए ये एंड गेट है, दो एंड गेट को और से कनेक्ट कर रखा है, ये एंड गेट दोनों को और गेट से कनेक्ट कर रखा है। जरा इसको मैं बताता हूं आपको, तो ये रहा हमारा एंड गेट, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं जिससे आपको शो अच्छा हो जाए। ये आप इसको आउटपुट यहां पर आ जाएगा। आप दोनों को यहां से हम लोग क्या करेंगे, एक इन्वर्टर लगा देते हैं। तो इन्वर्टर लगाकर यहां से ए बार जा रहा है, ये हमारा ए है। तो अब यहां पर जो जाएगा, अब इसके करस्पॉन्डिंग हमारा जो जाएगा वो बी जाएगा। तो मैं यहां पर ए को ये हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, ये ए है, ये हमारा हो जाएगा। तो यहां से मैं इसको भेज देता हूं और यहां से इसको भेज देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बी हो जाएगा। तो यहां से जो इनपुट मिलेगा वो मिलेगा ए बार बी और यहां से जो हमें इनपुट मिल रहा है वो मिल रहा है ए बी बार। ओके, और यहां पे जो आउटपुट आ रहा है हमारा वो निकल के आ रहा है बाई, दोनों को और से गेट से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो इसका जो ये लॉजिक सर्किट है, दिस इज योर लॉजिक सर्किट,
ये आपका लॉजिक सर्किट है, ओके। इसको मैं एक्सप्रेशन को लिखना चाहूं तो एक्सक्लूसिव और को, ये होता है, ठीक है। ये हमारा एक्सक्लूसिव और गेट का सिंबल है, ठीक है। अब देखिए, इसी को अगर मैं यहां पे एक नॉट गेट लगा दूंगा इसके आगे, तो वो एक्सक्लूसिव नॉर बन जाएगा, वो एक्सक्लूसिव नॉर हो जाएगा, एक्स नॉर कहेंगे। तो वैसे तो इसी के आगे इसको मैं रब कर देता हूं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। अब देखिए, इसी के आगे सेवंथ में मैं इसी के आगे फर्दर इसको जोड़ देता हूं मैं, अगर मैं इसी के आउटपुट में, अगर मैं इसी के आउटपुट को तो इसको मैं अगर देखूं सेवंथ में जो आएगा हमारा, अगर मैं इसी को देखूं, तो अगर मैं इसको जस्ट इसका रिवर्स कर दूं, अगर मैं रिवर्स कर दूंगा, तो यहां पर आ जाएगा 1 1 0 0, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि या तो दोनों के दोनों इनपुट जीरो हो या दोनों के दोनों इनपुट मेरे वन हो, तो ही इसका जो है सेम रहेगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा हमारा एक्सप्रेशन, उस केस में हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा ए बार बी बार, एक हो जाएगा ए बी, ठीक है। तो ये हमारा आउटपुट आ जाएगा ए बार बी बार प्लस ए बी, इसको मैं डिनोट कर सकता हूं, इस तरीके से, ठीक है। और हमारा जो सिंबल आएगा इसके, एकदम उसका रिवर्स आ जाएगा, सिंबल हो जाएगा हमारा ये वाला, ठीक है। तो ये हमारा एक्सक्लूसिव नॉर का सिंबल है, ये एक्सप्रेशन है, बुलियन एक्सप्रेशन है, और ये इसका ट्रुथ टेबल है, ये इसका ट्रुथ टेबल है, आउटपुट है, ओके। तो ये हमारा एक्सक्लूसिव नॉर गेट है, एक्स नॉर गेट कहते हैं। तो आई होप आपको, मैं एक ही वीडियो मैंने सारी कोशिश करी है समझाने की, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बट अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप बताइएगा, डेफिनेटली जो है मैं इसको सॉल्व करूंगा आपके लिए। तो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट। और अगर अभी तक आपने हमारे कंप्यूटर साइंस प्लस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। और इसके अलावा हमारे पर आपकी प्रिपरेशन के लिए DSSB, KVS, NVS और आपके जो EMRS के TGT, PGT कोर्स अवेलेबल हैं, साथ में UGC NET और SET के कोर्स अवेलेबल हैं, जिनको खुद मैंने प्रिपेयर किया आप लोगों के लिए, तो उन उस कोर्सेज के लिए, इनरोलमेंट के लिए आप हमारे WhatsApp पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारा WhatsApp नंबर आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है, ओके, ध्यान रखिएगा। और भी अगर कोई पूछना है आपको, कोई डाउट आ रहा है, तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन डाल दिया है, आप वहां पे मुझसे किसी भी तरह के जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम से, प्रिपरेशन से रिलेटेड, वहां पे पूछ सकते हैं, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट आज के वीडियो के बारे में, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।